हेलो दोस्तों, तो काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर हीट ट्रीटमेंट पर एक वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, मैं आज हीट ट्रीटमेंट पर, जिसे हम हिंदी में ऊष्मा उपचार बोलते हैं, इस पर एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, यदि आप टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपका एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे आपका रेलवे का हो, ALP का, DMRC, DRDO, NTPC, ISRO, इस टाइप के यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल, तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें, बिना स्किप किए देखें। क्योंकि मैं आपको डेफिनेशन इसमें जो है टॉप 10 जो डेफिनेशन है ऊष्मा उपचार हीट ट्रीटमेंट के टॉपिक से, वही मैं आपको बताऊंगा, और साथ साथ उसमें क्वेश्चन भी आपको बता चलूंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको मैं डेफिनेशन आज बताने जा रहा हूँ, 10 टॉपिक जो आपको बताने वाला हूँ, तो ये हमारे PDF फाइल के 19 पेज नंबर पर दिया गया है। यदि आपने उसको लिया है तो आप उसको साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो वहाँ दोस्तों हिंदी में दी गई है केवल, यहाँ मैंने आपको आपके लिए जो है इसे इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊष्मा उपचार। ऊष्मा उपचार जो है होता क्या है, जिसे हम बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट। तो किसी धातु या मिश्र धातु को किसी तापमान पर गर्म करके उसे ठंडा किया जाता है, जिससे उसके यांत्रिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। इस क्रिया को ऊष्मोपचार कहते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों, ये हमारी सिंपली जो लैंग्वेज में हीट ट्रीटमेंट की डेफिनेशन है। आपसे कोई इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है कि हमें हीट ट्रीटमेंट के बारे में बताइए, हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे आपको केवल यही बताना है कि जब किसी धातु को हम किसी तापमान पर गर्म करते हैं, तो उसके जो आंतरिक के यांत्रिक गुण होते हैं, उसके अंदर के स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। उसी क्रिया को हम जो है ऊष्मोपचार कहते हैं। या आप सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं कि धातु में जो गुण, उसके गुणों को परिवर्तन करने की क्रिया को हम जो है ऊष्मोपचार कहते हैं। उसमें हम काफ़ी सारी क्रिया कर सकते हैं, एनिलिंग है, टेम्परिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, ये सभी हमारी हीट ट्रीटमेंट की एक प्रोसेस है। तो ये हमारे से क्लियर हुआ डेफिनेशन। इसके बाद हम चलते हैं टॉपिक 1 पर। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखें फेराइट, तो फेराइट से हम स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे रेड कलर के बटन पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को प्रेस किया, तभी आपके पास तक जो हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचेंगे। और चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो अपलोड हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो फेराइट के बारे में चलते हैं। फेराइट होता क्या है, यह शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर है। यह स्ट्रक्चर बहुत नरम व डक्टाइल होता है, इसमें चुंबक के गुण अधिक होते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यह शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर है। यह स्ट्रक्चर बहुत नरम व डक्टाइल होता है, इसमें चुंबक के गुण अधिक होते हैं। तो इसे हम एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं, दिस इज ए प्योर आयरन स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज वेरी सॉफ्ट एंड डक्टाइल, द अमाउंट ऑफ कार्बन इन इट इज वेरी लो, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट आर हाई। तो इसमें मैग्नेट का जो गुण होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन कैसा आता है, बात चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन किस टाइप से आता है, कि क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर कहलाता है। आपको ऑप्शन में फेराइट, सीमेंटाइट, पायराइट, ऑस्टेनाइट, इस टाइप से मिल सकता है। तो आपको वहाँ पर अपना ऑप्शन चूज करना है फेराइट। ठीक है, तो ये भी क्लियर होगी। बाकी आप इंग्लिश में भी दोस्तों पढ़ सकते हैं, और अपनी नोटबुक में इस टाइप से लिखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगी। आप बाकी वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्या निकल कर आती है, सीमेंटाइट। तो सीमेंटाइट क्या होता है, यह फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण होता है। यह स्ट्रक्चर बहुत हार्ड व ब्रिटल होता है। तो एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ डेफिनेशन, यह फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण होता है। यह स्ट्रक्चर बहुत हार्ड व ब्रिटल होता है। अब क्वेश्चन कौन सा क्या आता है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण है। तो आपको ऑप्शन में फेराइट, सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट, इस टाइप से मिलेगा। आपको वहाँ पे सीमेंटाइट सेलेक्ट करना है। ठीक है, बाकी आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं इस टाइप से। तो आगे चलते हैं पियरलाइट। पियरलाइट क्या होता है, यह फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण होता है। यह स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत होता है। इसमें 87% फेराइट और 13% सीमेंटाइट होता है। ठीक है, तो इसी टाइप से दोस्तों अक्सर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि हमें किसी भी टॉपिक पे पियरलाइट हो, ऑस्टेनाइट हो, सीमेंटाइट हो, इनकी डेफिनेशन याद है, इनकी थ्योरी हमें याद है, तो कोई भी एग्जामिनर यदि घुमा फिरा के इसका क्वेश्चन दे देगा, तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर जो एग्जामिनर जो होता है, एग्जाम बनाने वाला, वो कुछ क्वेश्चन को घुमा देता है इस टाइप से कि बच्चे उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको यदि इस टाइप के क्वेश्चनों की डेफिनेशन याद होगी, तो आपको कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दें कोई भी एग्जाम में, तो उसको आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट निकल के आती है दोस्तों ऑस्टेनाइट। अब ऑस्टेनाइट क्या होता है, स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म करके उसे उसके स्ट्रक्चर में आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, तो वह ऑस्टेनाइट कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म करके उसके स्ट्रक्चर में जो आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, उसे ऑस्टेनाइट कहते हैं। तो ये हमारी ऑस्टेनाइट की डेफिनेशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। एक बार मैं आपको इंग्लिश में भी इसकी जो है एक बार बता देता हूँ। बाय हीटिंग द स्टील एट हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, द इंटरनल चेंज इज स्ट्रक्चर बिकम सो दैट्स कॉल्ड ऑस्टेनाइट। तो ये हमारा होता है ऑस्टेनाइट की डेफिनेशन।
तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सी निकल कर आती है, देखते हैं मार्टेनसाइट। अब मार्टेनसाइट क्या होता है, यदि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत ठंडा कर दिया जाए तो स्टील में जो स्ट्रक्चर बनता है वह मार्टेनसाइट कहलाता है। यदि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत ठंडा कर दिया जाए तो स्टील में जो स्ट्रक्चर बनता है वह मार्टेनसाइट कहलाता है। तो ये भी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। आप इसी तरह से आपने याद करें और कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आगा किसी भी एग्जाम में तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट का निकल करती है हार्डनिंग। अब हार्डनिंग क्या होती है, देखते हैं धातु पर हार्डनेस का गुण बढ़ाना। तो एक लाइन तो ये होगी जो कि धातु के कार्बन की प्रतिशत पर निर्भर करता है। तो यदि हम धातु पर हार्डनेस का गुण बढ़ाते हैं तो वह हमारी हार्डनिंग की क्रिया होती है। आप इतना भी किसी से बता देंगे तो भी आपका जो है आंसर क्लियर हो जाएगा। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसको भी आप याद रखें। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट निकल के थे टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या होता है, धातु को हार्ड करने पर उसमें जो हार्डनेस बढ़ती है उसे कम कर किया जाता है। तो एक बार दोबारा लाइन रिपीट करता हूँ, धातु को हार्ड करने पर उसमें जो हार्डनेस बढ़ती है उसे कम किया जाता है तथा भंगुरता कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। जब भी हम कभी धातु को किसी को हार्ड करते हैं तो उसमें क्या है कि हार्डनेस का गुण आ जाता है। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए, उसी चीज़ को दूर करने के लिए टेम्परिंग की जाती है, जिसमें धातु की भंगुरता जिसे हम बोलते हैं ब्रिटलनेस को कम किया जाता है और टफनेस को बढ़ाया जाता है। तो वह हमारी क्रिया होती है टेम्परिंग की। तो ये भी क्लियर हुआ। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या निकल कर आती है, नेक्स्ट निकलती है एनिलिंग। एनिलिंग से काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसको आपको बिल्कुल क्लियर पढ़ना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन चलते हैं। डेफिनेशन पे, स्टील के हार्ड पार्ट को मशीन करने योग्य बनाने के लिए धातु में मशीनेबिलिटी सुधारने के लिए। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, स्टील के हार्ड पार्ट को मशीन योग्य बनाने के लिए। सबसे पहले एक लाइन ये है, ये भी अगर आप बता देंगे किसी से तो क्लियर हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं धातु में मशीनेबिलिटी का सुधार लाने के लिए। तो एक बार मैं अपनी भाषा में दोस्तों बोल देता हूँ, किसी भी हार्ड पार्ट पे यदि हम कोई मशीनिंग करना चाहते हैं तो उसे मशीन योग्य बनाने के लिए हम एनिलिंग करते हैं। या फिर ऑप्शन में आपको क्वेश्चन, यदि आप क्वेश्चन आ रहा है कि एनिलिंग क्या होती है, एनिलिंग किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में आपको इस टाइप से मिल सकता है कि मशीनेबिलिटी में सुधार करने की क्रिया को जो है हम एनिलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हुई। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या निकल कर आती है, देखते हैं। नेक्स्ट एक निकल कर आती है नॉर्मलाइजिंग। चलिए नॉर्मलाइजिंग को पढ़ते हैं। स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने पर उसे वापस पहली दशा में लाने के लिए नॉर्मलाइजिंग की जाती है। जब भी हम स्टील पर कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जो गर्म होता है तो या उसको ठंडा करते हैं तो उसको वापस पहली अवस्था में लाने के लिए उस क्रिया को जो हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं तो वह नॉर्मलाइजिंग होती है। इसके बारे में दोस्तों मैं क्वेश्चन आंसर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सपोर्ट करें, तो ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा हीट ट्रीटमेंट पर। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दोस्तों है सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग क्या होती है, धातु को हार्ड वह घिसावट का प्रतिरोध बनाने के लिए सरफेस हार्डनिंग की जाती है। तो माइल्ड स्टील के जो पार्ट्स होता है उस पर ज़्यादातर की जाती है सरफेस हार्डनिंग। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसकी डेफिनेशन, धातु को हार्ड वह घिसावट का प्रतिरोध बनाने के लिए सरफेस हार्डनिंग की जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी डेफिनेशन पूरी की पूरी। तो इस टाइप से आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। दोस्तों यदि आपने वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी कुछ एडिटिंग टाइपिंग करना पड़ता है। तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी दोस्तों हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो पर भी काम करते हैं। और दोस्तों आप हमारी वेबसाइट www.infotrade.in को एक बार विजिट करें, क्योंकि हमने उसमें काफ़ी सारे टेक्निकल क्वेश्चन अभी तक अपलोड कर दिए हैं। उसमें वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, लाइक DMRC, DRDO, ISRO, रेलवे, NTPC, इस तरह के जो है क्वेश्चन अभी तक अपलोड कर दिए हैं। आप एक बार विजिट करें, नीचे लिंक जो है वेबसाइट का दिया गया है, आप डायरेक्टली वहाँ से जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।